छात्रों, कक्षा 12वीं के अंतर्गत कॉमर्स विषय में हम आज यहाँ पर बही खाता लेखा कर्म, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग विषय के अंतर्गत अध्याय एक का अध्ययन करेंगे। अध्याय एक में जो प्रथम चैप्टर है वह है गैर व्यवसायिक संस्थाओं का लेखांकन। अभी तक हमने व्यवसायिक संस्थाओं के बारे में जाना है। व्यवसायिक संस्थाएं क्या होती हैं? व्यवसायिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, तो वो कहलाती हैं व्यवसायिक संस्थाएं। अर्थात यहाँ पर जो भी व्यवसाय करने वाली संस्थाएं होती हैं वे लाभ कमाने के लिए अपनी संस्थाओं को संचालित करती हैं और संचालन करते हुए वे अपने व्यवसायिक संस्थाओं का हिसाब किताब व्यापार खाते, लाभ हानि खाते और चिट्ठा के माध्यम से रखते हैं। यहाँ हम अध्ययन करने जा रहे हैं गैर व्यवसायिक संस्थाओं का। तो गैर व्यवसायिक संस्थाएं क्या होती हैं, इनका लेखांकन किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो सर्वप्रथम इसमें हम गैर व्यवसायिक संस्थाओं से आशय क्या है, उनकी परिभाषा क्या है, उनके बारे में जानेंगे। वहीं गैर व्यवसायिक संस्थाएं, चूंकि इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता लेकिन एक संस्था को संचालित करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, तो फिर यहाँ पर व्यवसायिक संस्थाओं के आय और व्यय के स्रोत क्या हैं, इनके बारे में जानेंगे। वहीं हम जानेंगे व्यवसायिक व गैर व्यवसायिक संस्थाओं में अंतर क्या है, साथ ही व्यवसायिक गैर व्यवसायिक संस्थाओं के द्वारा जो खाते बनाए जाते हैं उसमें सर्वप्रथम प्राप्ति भुगतान खाता है, प्राप्ति भुगतान खाता क्या कहलाता है उसके बारे में हम जानेंगे। रोकड़ खाता व प्राप्ति भुगतान खाते में अंतर कौन कौन से हैं उनके बारे में जानेंगे। वहीं प्राप्ति भुगतान खाते की विशेषताएँ कौन सी हैं उनको जानेंगे, साथ ही प्राप्ति भुगतान खाता किस प्रकार से बनाया जाता है उसके प्रारूप के बारे में जानेंगे, साथ ही प्राप्ति भुगतान खाते से संबंधित व्यवहारिक प्रश्नों के भी हम यहाँ पर हल को देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि गैर व्यवसायिक संस्थाएं क्या होती हैं। भूमिका, गैर व्यवसायिक या अलाभकारी संस्थाएं क्या कहलाती है, यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है अलाभकारी, मतलब जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। तो यहां पर हम देखेंगे गैर व्यवसायिक संस्थाओं से आशय ऐसे उपक्रम या संस्थान से है जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता बल्कि सामाजिक कल्याण, मानवीय भावना, देश प्रेम या मनोरंजन की भावना के अंतर्गत गतिविधियों को संचालित करने वाली संस्थाएं जो हैं वो कहलाती हैं गैर व्यवसायिक संस्थाएं। जैसे हम अपने आसपास देखते विभिन्न संस्थानों को जिनमें विभिन्न धार्मिक संस्थान, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे या विद्यालय, साथ ही महाविद्यालय, पुस्तकालय, लाइब्रेरी, चिकित्सालय, अस्पताल, साथ ही विभिन्न मनोरंजन प्रदान करने वाले क्लब, साथ ही विभिन्न सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक संस्थाएं और विभिन्न चैरिटेबल ट्रस्ट, ये सभी संस्थान हम देखते हैं ऐसे संस्थान हैं कि जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता बल्कि अपनी संस्था के अनुरूप उद्देश्यों को पूरा करना होता है। गैर व्यापारिक संस्थाओं में संस्थाओं के साथ साथ व्यक्तियों को भी सम्मिलित किया जाता है जो अपनी सेवाओं को उपलब्ध कराकर आय अर्जित करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को हम पेशेवर व्यक्ति भी कहते हैं, जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर, शिक्षक, कंसल्टेंट, अंकेक्षक आदि। अतः यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसी संस्थाएं या गैर व्यवसायिक या लाभ न कमाने वाली संस्थाएं जो हैं वो कहलाती हैं गैर व्यवसायिक संस्थाएं। अब अगले क्रम में हम जानेंगे
कि यदि संस्था है वो, उसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, तो भी उस संस्था को अपना हिसाब किताब रखना होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे गैर व्यवसायिक संस्थाओं के जो आय के साधन हैं वो आजीवन सदस्यता शुल्क, प्रवेश शुल्क, चंदा, दान, अनुदान, सरकारी ऐड या विशिष्ट दान होते हैं, और इन्हीं मदों से प्राप्त राशि इन संस्थाओं के व्ययों की पूर्ति का माध्यम होती है। ये संस्थाएं चूंकि सार्वजनिक संस्थाएं होती हैं, इसमें बहुत सारे लोग सदस्य होते हैं, अतः संस्थाओं को अपने सदस्यों, दानदाताओं व सरकार, जिनसे वो वार्षिक ऐड प्राप्त करती, सहायता प्राप्त करती है, उनको वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर आय और व्यय का जानकारी या विवरण देना होता है। इस विवरण को बनाने के लिए ये संस्थाएं अपना हिसाब रोकड़ प्रणाली के आधार पर रखती हैं, जिससे कि निम्न जानकारी प्राप्त हो सके। तो इसमें जो है पहला बिंदु है, निर्धारित वर्ष में संस्था ने किन किन स्रोतों से आय प्राप्त की, मतलब एक निर्धारित वर्ष में, निर्धारित अवधि में किन किन स्रोतों से उसे आय प्राप्त हुई। दूसरा, संस्था ने कितनी राशि कब, कहां और कितनी खर्च की। तीसरा, एक निर्धारित अवधि में आय का व्यय पर आधिक्य रहा या व्यय का आय पर आधिक्य। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि आय व्यय से ज़्यादा थी या व्यय आय से ज़्यादा। साथ ही संस्था की संपत्ति व दायित्व की स्थिति कैसी है, इसको जानने के लिए गैर व्यवसायिक संस्थाओं को अपनी हिसाब किताब को तैयार करना होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक गैर व्यवसायिक संस्था के आय और व्यय के प्रमुख स्रोत क्या है, अर्थात एक व्यापारिक संस्था, गैर व्यापारिक संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, उसको प्राप्ति कहाँ से होती है और उसके द्वारा भुगतान कहाँ कहाँ किया जाता है, अर्थात आय और व्यय के प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं, इनको यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से देखेंगे। तो गैर व्यापारिक संस्था के आय के जो स्रोत हैं वो है प्रवेश शुल्क, एंट्रेंस फीस। जब संस्था में प्रवेश लिया जाता है तो सर्वप्रथम प्रारंभ में जो शुल्क चुकाया जाता है वो कहलाता है प्रवेश शुल्क। फिर संस्था की सदस्यता के लिए तिमाही, छमाही या वार्षिक रूप से हम उसको चंदा प्रदान करते हैं या सदस्यता शुल्क प्रदान करते हैं। इसके साथ दान, दान ये छोटा दान भी हो सकता है और अधिक राशि वाला भी दान हो सकता है। साथ ही आजीवन सदस्यता शुल्क, एक सदस्य जो संस्था में आजीवन रूप से सदस्यता शुल्क प्राप्त करना चाहता है उसके द्वारा चुकाया गया शुल्क। फिर है शासकीय अनुदान, सरकार के द्वारा उस लाभ न कमाने वाली संस्था को जो सहायता प्रदान की जा रही, अनुदान दिया जा रहा, वो कहलाता है शासकीय अनुदान। इसके बाद है प्राप्त ब्याज, यदि गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा किसी भी प्रकार का कोई पैसा कहीं इन्वेस्ट किया गया है, बैंक में जमा है या कोई प्रतिभूति वगैरह, बॉन्ड्स वगैरह उसने ले रखे हैं, तो उसके एवज में जो उसको ब्याज प्राप्त होगा वो प्राप्त ब्याज। इसी प्रकार से प्राप्त लाभांश, किसी भी प्रकार के बॉन्ड्स वगैरह पे या जहां उसने पैसा लगाया हुआ है उस पे जो लाभ प्राप्त हुआ है वो प्राप्त लाभांश। इसके अलावा गैर व्यापारिक संस्थाओं का कोई भवन है जो उसने किराए से दिया हुआ है, उससे प्राप्त किराया। साथ ही मनोरंजन से प्राप्त आय, यदि संस्था के द्वारा कोई ऐसे कार्यक्रम किए गए हैं, उनकी टिकट बिक्री हुई है, तो उससे जो प्राप्त आय है। साथ ही पुराने अखबारों की बिक्री से प्राप्त राशि, और यदि कोई वसीयत के रूप में गैर व्यापारिक संस्था को कोई राशि प्राप्त होती है। इसके अलावा कोई पुरानी खेल सामग्री या किसी भी प्रकार की पुरानी कोई सामग्री को बेचा जाता है तो उसकी विक्रय की राशि। तो ये एक गैर व्यापारिक संस्था के आय के स्रोत हैं, इनके माध्यम से एक गैर व्यापारिक संस्था को आय प्राप्त
होती है। वहीं यहाँ पर हम देखते हैं कि व्यय कहाँ कहाँ होता है, गैर व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा खर्च किन किन मदों में किया जाता है। तो सर्वप्रथम है वेतन। गैर व्यापारिक संस्था में जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनको वेतन दिया जाता है, साथ ही जो कार्य कराया गया उसके एवज में यदि कोई मजदूरी दी गई है तो उसका भुगतान लिखा जाता है। वहीं कार्यालय के बिजली व्यय से संबंधित मद को इसमें जोड़ा जाता है। इसके अलावा यदि गैर व्यापारिक संस्था किसी किराए की बिल्डिंग में है तो उसके द्वारा जो किराया दिया गया उसे लिखा जाता है। इसके अलावा कर व बीमा, टैक्स और इंश्योरेंस, यदि गैर व्यापारिक संस्थाओं में का कोई टैक्स वगैरह चुकाया जाता है, किसी का बीमा कराया गया तो उसके लिए देय राशि व्यय में आएगी। इसके अलावा गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा यदि कोई प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापन किया गया तो विज्ञापन व्यय आएगा। गैर व्यापारिक संस्था के द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए यदि राशि आहरित की गई तो वो भी व्यय के मद में आएगी। इसके अलावा स्टेशनरी व मुद्रण से संबंधित व्यय हो गए, अखबार वगैरह खरीदने से संबंधित व्यय हो गए, डाक एवं खेलकूद से सामग्री खरीदने से संबंधित व्यय हो गए, टेलीफोन से संबंधित व्यय हो गए, मरम्मत व्यय या अनुरक्षण शुल्क या संस्था का ऑडिट कराने से संबंधित अंकेक्षण फीस हो गए, अन्य प्रकार के कार्यालयीन व्यय हो गए, और भी किसी भी प्रकार के कोई फुटकर या संस्थागत व्यय यदि व्यापारिक गैर व्यापारिक संस्था के द्वारा किए गए हैं तो उनको व्यय के स्रोतों के अंतर्गत माना जाता है। तो यहाँ हमने देखा कि एक गैर व्यापारिक संस्था के आय के और व्यय के प्रमुख स्रोत क्या क्या है, साथ ही इनका लेखांकन किस प्रकार से किया जाता है। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि अलाभकारी संस्थाएं जो हैं, गैर व्यापारिक संस्थाएं जो हैं, इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। इन संस्थाओं के आय के साधन जो हैं ये अभी हमने देखे यहाँ पर जो कि हमारे सामने है। अब यहाँ पर अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए विभिन्न दर्शित मदों पर व्यय भी इन्हें करना होता है। चूँकि ये सार्वजनिक संस्थाएँ हैं अतः वित्तीय वर्ष के अंत में इनको अपने सदस्यों को, अपने दानदाताओं को, सरकार को व समाज के सामने अपनी संस्था का हिसाब किताब को लेखे के माध्यम से प्रस्तुत करना होता है। तो यहाँ पर हिसाब किताब की जानकारी प्रस्तुत करने हेतु लेखांकन को ये रोकड़ पद्धति के आधार पर अपनाते हैं। तो यहाँ पर गैर व्यापारिक संस्थाएं जो हैं निम्न प्रकार से तीन प्रकार से खातों को तैयार करती हैं। सबसे पहला खाता इनके द्वारा बनाया जाता है वो कहलाता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, प्राप्ति एवं भुगतान खाता। दूसरे प्रकार का जो खाता बनाया जाता है वो आय व्यय खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और तीसरा खाता इनके द्वारा बनाया जाता है वो स्थिति विवरण पत्र या चिट्ठा, जिसको हम बैलेंस शीट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर गैर व्यापारिक संस्था जो है रोकड़ पद्धति के आधार पर तीन प्रकार के खाते यहाँ पर तैयार करती है, जिनमें पहला है प्राप्ति भुगतान खाता, दूसरा आय व्यय खाता और तीसरा स्थिति विवरण पत्र या चिट्ठा। यहाँ हम जानेंगे कि व्यापारिक और गैर व्यापारिक संस्थाओं में अंतर क्या क्या है। तो यहाँ पर उद्देश्य जो है व्यापारिक संस्था का उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना, जबकि गैर व्यापारिक संस्था का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं ना होकर मानव कल्याण व परोपकार की भावना से या मनोरंजन की भावना से कार्य को संचालित करना है। उदाहरण जो है व्यापारिक संस्थाओं का उदाहरण जो है वो एकल व्यापार हो गया, साझेदार व्यापार कंपनी आदि जो भी व्यापारिक संस्थाएं हैं ये उनके उदाहरण हो गए। गैर व्यापारिक संस्थाएं कौन कौन होती हैं, जैसे अस्पताल हो गए, विद्यालय हो गए, महाविद्यालय हो गए, पुस्तकालय हो गए, विभिन्न मनोरंजन क्लब हो गए, खेलकूद क्लब हो गए, विभिन्न धार्मिक संस्थाएं हो गई, ये गैर व्यापारिक संस्थाएं कहलाती हैं। पूंजी की आवश्यकता, व्यापारिक संस्थाओं में उनकी पूंजी निजी पूंजी होती है, इसमें जो व्यापार का स्वामी होता है वो व्यापार में पूंजी को लगाता है। गैर व्यापारिक संस्था में इसकी अपनी स्वयं की पूंजी
कोई नहीं होती है। प्रतिवर्ष का जो आय है, जो आधिक्य है, जो दान है, ये इसके आधार पर इन संस्थाओं का पूंजी कोष तैयार किया जाता है। फिर हिसाब किताब एक गैर व्यापारिक संस्था द्वारा हिसाब किताब रखने के लिए लेखा पुस्तकों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए प्रशिक्षित लेखापाल की आवश्यकता होती है। जबकि गैर व्यापारिक संस्थाओं में अधिक लेखा पुस्तकों की आवश्यकता नहीं होती है, कुछ पुस्तक रखकर ही हिसाब किताब को तैयार किया जा सकता है। यहाँ पर हम वित्तीय विवरण की बात करें कि कौन कौन से खाते इनके द्वारा रखे जाते हैं, तो व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा के वित्तीय विवरण में निर्माण खाता, व्यापार खाता एवं लाभ हानि खाता और चिट्ठा आदि विवरण बनाया जाता है। तो व्यापारिक संस्थाएं जो हैं वो व्यापार खाता, दूसरा लाभ हानि खाता और तीसरा चिट्ठा तैयार करती हैं। वहीं गैर व्यापारिक संस्थाएं जो हैं वे पहला खाता प्राप्ति भुगतान खाता, दूसरा आय व्यय खाता और तीसरा बैलेंस शीट या चिट्ठा विवरण के रूप में तैयार करती हैं। कार्य का प्रतिफल, व्यापारिक संस्थाओं का प्रतिफल जो है वो किस रूप में है, लाभ या हानि के रूप में, अर्थात व्यापारिक संस्थाओं की जो प्राप्ति है वो लाभ के रूप में होगी या हानि के रूप में। जबकि गैर व्यापारिक संस्थाओं में उद्देश्य इनका लाभ कमाना नहीं है, इसलिए इनका परिणाम जो है आय का आधिक्य या व्यय का आधिक्य कहलाता है, अर्थात आय पर व्यय का आधिक्य या व्यय पर आय का आधिक्य कहलाता है। तो यहाँ हमने देखा व्यापारिक एवं गैर व्यापारिक संस्थाओं में मुख्य रूप से क्या क्या अंतर हैं। अब यहाँ पर हमने जैसे देखा कि गैर व्यापारिक संस्थाएं तीन प्रकार से अपने लेखों को तैयार करती हैं, नंबर एक प्राप्ति भुगतान खाता, दूसरा आय व्यय खाता और तीसरा बैलेंस शीट। तो क्रमशः यहाँ पर हम चलते हैं और सर्वप्रथम देखते हैं कि प्राप्ति भुगतान खाता क्या है और इसको किस तरह से तैयार किया जाता है। तो प्राप्ति भुगतान खाता एक निर्धारित अवधि के अंत में या वर्ष के अंत में रोकड़ पुस्तक से तैयार किया जाता है। यह रोकड़ खाते की तरह ही तैयार किया जाता है। अंतर यहाँ पर इतना यह होता है कि रोकड़ खाते में व्यवहारों को विस्तार पूर्वक तिथि बार लिखा जाता है, जबकि प्राप्ति भुगतान खाते में समस्त प्राप्तियों एवं समस्त भुगतानों को अलग अलग शीर्षक के अंतर्गत विभाजित कर उनकी कुल राशि एक बार में ही लिखी जाती है। अर्थात रोकड़ खाते में जैसे प्रतिमाह यदि किसी को वेतन दिया जा रहा है तो प्रतिमाह उसको रोकड़ खाते में डेट के आधार पर लिखा जाता है, लेकिन जैसा हमने यहाँ पर बताया कि एक निश्चित अवधि के पश्चात, तो यहाँ वर्ष भर में अर्थात एक निश्चित अवधि में एक कर्मचारी को कितना वेतन दिया गया उसको एग्जाई एक साथ लिखा जाता है। इस प्रकार हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्राप्ति भुगतान खाता जो है वो रोकड़ बही का क्या है, सारांश मात्र है, जिसमें सभी प्राप्तियां नाम डेबिट पक्ष की ओर व सभी भुगतान जितने प्रकार के भुगतान किए गए हैं वो जमा पक्ष अर्थात क्रेडिट पक्ष की ओर मदों के अनुसार वर्गीकृत करके लिखी जाती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्राप्ति भुगतान खाते में जो भी प्राप्तियाँ हैं वो डेबिट की तरफ और जो भी भुगतान किए गए वो क्रेडिट की तरफ लिखी जाती हैं, और ये रोकड़ बही का क्या है, सारांश है। जितनी भी प्रकार की जो प्राप्तियाँ हुई हैं, जितनी भी प्रकार के भुगतान किए गए हैं, उनको एक ही मद में सारांश के रूप में लिखा जाता है। आशय परिभाषा क्या है इसकी, रोकड़ बही की सहायता से सामाजिक संस्थाएं, व्यक्ति, पेशेवर व्यक्ति एक निश्चित अवधि के लिए अपनी वित्तीय स्थिति एवं रोकड़ शेष की जानकारी हेतु एक खाता तैयार करता है। इसको डेबिट पक्ष में सभी रोकड़ प्राप्तियां और क्रेडिट पक्ष में सभी प्रकार के भुगतान अलग अलग मदों में दिखाए जाते हैं, इसे ही हम प्राप्ति भुगतान खाता कहते हैं। अब यहाँ पर एक बिंदु और हमारे सामने है कि किसी भी व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का पता क्या प्राप्ति भुगतान खाते से चल सकता है, तो ऐसा नहीं है। प्राप्ति भुगतान खाता किसी संस्था की आर्थिक स्थिति का द्योतक नहीं है। स्पष्ट कीजिए, यह प्रश्न इस तरह से परीक्षा में
दिया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि चूंकि नंबर एक बिंदु के अंतर्गत ये खाता रोकड़ बही के समान ही बनाया जाता है, इसमें सिर्फ नगद प्राप्ति एवं भुगतान का लेखा किया जाता है। तो प्राप्ति भुगतान खाता हमें ये बताता है कि एक निर्धारित अवधि में हमें कितनी प्राप्ति हुई और कितना भुगतान हुआ। दूसरा बिंदु ये बताता है कि इस खाते में समस्त प्रकार के पूंजीगत व आगमगत प्राप्तियां तथा भुगतान का लेखा किया जाता है, चाहे वो इस वर्ष का हो या आगामी का या पिछले वर्ष का। अर्थात जिस वर्ष का हम प्राप्ति भुगतान खाता बना रहे हैं उस वर्ष में, उस चालू वर्ष में हमें जो भी भुगतान प्राप्त हुआ है, जो भी हमें प्राप्तियां हुई हैं, चाहे वे किसी भी वर्ष से संबंधित हो, उनका हम यहां पर लेखा करते हैं। अगले क्रम में देखते हैं कि इसमें पिछले वर्षों एवं दायित्वों तथा संपत्तियों का तथा पूंजी शेष की जानकारी नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ हम प्राप्तियों का और भुगतान का लेखा करते हैं, नगद रूप में जो हमने किया है उनका ही लेखा करते हैं। तो इसमें पिछले वर्ष के यदि कोई लायबिलिटीज़ है, पिछले वर्ष के यदि कोई असेट्स हैं, पूंजी बैलेंस है, तो इनकी जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती और इसका अंतर हमेशा जो है वो शेष ही बताता है, जिसका शेष हमेशा डेबिट ही होता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि प्राप्ति भुगतान खाता जो है रोकड़ बही का एक सारांश है, एक संक्षिप्त रूप है, जिसका रोकड़ शेष हमेशा डेबिट रहता है और ये एक संस्था की आर्थिक स्थिति को नहीं बतलाता। इसके आधार पर आय व्यय खाता एवं उसके बाद चिट्ठा बैलेंस शीट को बनाया जाता है। तो यहाँ हमने जाना कि प्राप्ति भुगतान खाता क्या है और प्राप्ति भुगतान खाता जो है